नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। अपने फैशन सेंस के लिए मशहूर रणवीर सिंह अब तक अपने अतरंगी कपड़ों के लिए सुर्खियों में बने रहते थे, लेकिन अब रणवीर सिंह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हैं। हाल ही में रणवीर सिंह ने फुल न्यूड फोटो शूट करवाया है, जिसे देखने के बाद सभी दंग रह गए हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रणवीर सिंह ने बैठकर और लेटे हुए बिना कपड़ों के कई सारे पोज दिए हैं। उनकी फोटोज पर मीम्स भी बनने लगे हैं, जिनमें से कई लोगों ने उन्हें दीवार पर चिपकी हुई छिपकली तक बता दिया, तो कोई उन्हें कॉकरोच कह रहा है। रणवीर सिंह ने यह न्यूड फोटोशूट एक मशहूर मैगजीन के लिए करवाया है। हालांकि हमेशा की तरह रणवीर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। रणवीर के फैंस ये फोटोज देखकर हैरान हैं, लेकिन रणवीर की मस्कुलर बॉडी को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म एमरजेंसी में कंगना रनौत के बाद अब अनुपम खेर का लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं और कंगना का लुक कुछ दिन पहले ही आउट हुआ था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब फिल्म के दूसरे किरदार की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। फिल्म में अनुपम खेर जेपी नारायण की भूमिका में नजर आएंगे। खेर ने ट्विटर पर अपने किरदार का पहला लुक शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है, जिस पर कई सारे यूजर्स ने उनकी तारीफ की तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी कर दिया। अनुपम खेर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, निडर होकर सवाल करने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाने में खुशी और गर्व दोनों है, जो शब्द के सही मायनों में एक विद्रोही है। कंगना रनौत स्टारर और डायरेक्टोरियल अगली एमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण मेरा 527वां रोल होगा। जय हो जेपी लोकनायक। करण जौहर ने इस हफ्ते के कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड में समंथा रूल प्रभु और अक्षय कुमार को होस्ट किया। शो में करण जौहर ने समंथा से उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से अलग होने के बारे में कई सारे बातें करी। बात करते हुए जब करण ने चैतन्य को उनका हस्बैंड बताया तो समंथा ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा, हस्बैंड नहीं एक्स हस्बैंड। समंथा ने नागा चैतन्य से अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि अगर आप हम दोनों को एक साथ एक ही कमरे में रखते हैं तो आपको कमरे से सारी नुकीली चीजों को छुपाना पड़ेगा। समंथा आगे बोली कि अब हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। रणबीर कपूर स्टारर शमशेरा आज रिलीज हो गई है। करण मल्होत्रा निर्देशित इस फिल्म में वाणी कपूर और संजय दत्त भी हैं। शमशेरा 4 साल बाद रणबीर की पहली रिलीज है। फिल्म में रणबीर कपूर शमशेरा और बाली का डबल रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। रणबीर ने IndianExpress.com को बताया कि शमशेरा भी उतनी ही शानदार कहानी है जितनी बर्फी और संजू थी। कुछ ही दिनों पहले राजीव सेन और चारू असोपा ने एक दूसरे से तलाक लेने का ऐलान कर दिया था। राजीव ने कहा था कि चारू विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। अब इस पर टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां तक राजीव मुझे विक्टिम कार्ड खेलने की कला का मास्टर कहते हैं, तो मैं ईमानदारी से किसी और की गंदगी को धोते हुए थक गई हूं। चारू ने एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था कि सुष्मिता अंदर से एक अद्भुत व्यक्तित्व है और वो एक बेहतरीन अभिनेत्री और एक बेहतर इंसान भी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।